उज्जैन के बलेड़ी गांव में खाटू श्याम की भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बाबा के भक्तों ने झूमकर बाबा की आराधना की। उज्जैन के बलेड़ी गांव में पिछले 2 वर्ष से भगवान खाटू श्याम की भजन संध्या का आयोजन किया जाता है, जहां पर बलेड़ी गांव के स्थानीय ग्रामीण जन सहित आसपास के ग्रामीण भक्त परिवार के साथ पहुंचते हैं। इस भव्य भगवान खाटू श्याम की भजन संध्या में और भगवान श्री खाटू श्याम के भजन पर झूम गाकर भजनों का आनंद लेते हैं, भगवान खाटू श्याम की भक्ति भी करते हैं। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा धार्मिक कार्यक्रम है, भजन संध्या हो रही है, बहुत अच्छा है। सर, इस प्रकार से भगवान के भजनों के प्रति लोगों की मानसिकता बनती रहे, भक्ति के प्रति लोग जाते रहे, इस प्रकार से कार्यक्रम क्या कहना चाहेंगे? इस प्रकार के कार्यक्रम हमारे देश की संस्कृति ये तो होते ही रहना चाहिए, जिससे कि हम धार्मिक कार्यक्रम करते रहे, उससे हमारा जो आध्यात्मिक जो चीज़ें हैं वो बढ़ती रहे, और हम धर्म के प्रति जितने ज़्यादा आध्यात्मिक के प्रति सचेत रहेंगे। तैयारी करते हैं किस प्रकार से भगवान श्याम की भक्ति करते हैं और क्या रहता है? तैयारी का तो कोई मसला ही नहीं, क्योंकि बलेड़ी की जनता सभी धर्म प्रेमी है, मतलब किसी भी काम की हमें कोई समस्या ही नहीं आती है। हम मतलब हर साल ये जो आयोजन लगातार श्रद्धालु बढ़ते ही जा रहे हैं, और आयोजन में भी हमारी टीम इस साल और बड़ी टीम बुलाई है हमने, जो कि भजन संध्या यहाँ पर करेगी। कैसे आपके मन में ख्याल आएगा भगवान श्याम की भक्ति की जाए, भजनों के माध्यम से ही की जाए, क्या रहता है? भगवान श्याम की महिमा अभी काफ़ी बढ़ती जा रही है और श्रद्धालु भी उनके काफ़ी बढ़ते ही जा रहे हैं, मतलब रोज की संख्या में खाटू श्याम में भी गांव से कई टीमें जाती हैं बनके, और खाटू श्याम की लगभग भक्ति बढ़ती जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।